सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जीएसटी को लागू हुए पूरा एक साल हो चुका है। 30 जून 2017 की आधी रात में संसद के केंद्रीय कक्ष में इस नई टैक्स व्यवस्था का ऐलान किया गया था। भारतीय टैक्स सिस्टम में अभूतपूर्व सुधार के एक साल पूरे होने पर इसे यादगार बनाने के लिए जहां 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं जीएसटी को लेकर चरखी दादरी में आमजन और व्यापारियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिनसे जीएसटी को लेकर बातचीत कर ये जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार जीएसटी से उन्हें कितना फायदा हुआ या जीएसटी लागू होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 1 जुलाई को देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू होने को एक साल पूरा हो गया है। जीएसटी के साथ व्यापारियों और आम लोगों का साल भर का ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। हालांकि शुरुआती दिक्कतों के बाद सरकार ने जीएसटी में कुछ बदलाव किए और कुछ सामानों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को भी घटाया। व्यापारियों के साथ साथ आमजन ने जीएसटी को कुछ ने सही तो कुछ ने गलत करार दिया। चरखी दादरी में भी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर व्यापारियों के साथ साथ आमजन के बीच कहीं खुशी तो कहीं गम है। जीएसटी जहां एक साल बाद भी आमजन के समझ से बाहर है, तो वहीं व्यापारियों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कपड़ा व्यापारी राजेश गुप्ता की माने तो जीएसटी लागू होने के बाद कपड़े की कीमत बढ़ गई है और काम घटने से रोजगार पर भी असर पड़ा है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है कपड़े के बिजनेस पे, पहले कोई टैक्स नहीं लगता था जी हमारे कपड़े पे, और जब से जीएसटी लागू हुआ है एक तो बर्डन बढ़ गया है। हर 3 महीने में रिटर्न दो कंपोजिशन वाले को, हर 3 महीने में रिटर्न देना पड़ता है। सबसे मोटी समस्या ये है, टैक्स से किसी को कोई परेशानी नहीं है। टैक्स गवर्नमेंट जितना लेना चाहे ले सकती है, हर दुकानदार देने के लिए तैयार है, हर बिजनेसमैन देने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट का प्रोसीजर गलत है। दुकानदारी पर तो काफ़ी इफेक्ट है, हर चीज़ महंगी हो गई है, लोगों की परचेजिंग पावर घट रही है। दुकान चलाने वाले हरिओम को जीएसटी को लेकर खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि जिन चीजों पर पहले टैक्स नहीं था उन पर भी टैक्स लग गया है, जिससे उनके व्यापार पर असर पड़ा है। ज्वेलर्स व्यापारी मुकेश सोनी का कहना है कि जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी की गई है। सरकार द्वारा इसको लागू किया जाना शायद हो सकता है जल्दबाजी में किया गया हो। से जो है कारोबार में इतनी मंदी आई हुई है, वैश्विक मंदी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपने हिंदुस्तान में जो है हर सेक्टर के अंदर जीएसटी के अकॉर्डिंग चलते हुए हर जगह मार्केट के अंदर बहुत भयंकर मंदा है। काम ये लगा लो कि अब जो पहले 100 रुपए का था वो कार्य 20 रुपए का रह गया है। बाकी दुकानदारों का क्या कुछ कहना है जीएसटी को लेकर वो सुनिए। पहले 2 नंबर का काम होता था, अब सारा 1 नंबर का काम हो गया, और एक जगह जीएसटी लग जाता है फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती। कस्टमर को इसलिए एक जगह टैक्स लग गया, पहले जैसे हरियाणा का अलग लगता था, पंजाब का अलग लगता था, यूपी से आता था, जहाँ से भी माल आता था अलग अलग लगता था, अब एक जगह लग गया। हमारी टेंशन एक जगह से बिल आया बन के, हमारे कोई सिरदर्दी नहीं। जीएसटी ठीक है, हम खुश हैं जीएसटी के। काफ़ी अंतर है सर, क्योंकि जीएसटी से एक तो बार्गेनिंग खत्म हो गई, और जो पहले हम बिना टैक्स के कपड़े लेते थे कभी मनमर्जी चलती थी, 100 की चीज़ 500 में मिलती थी, 500 की 200 में मिलती थी, अब एक तो वो सिस्टम खत्म हो गया। हम अगर जीएसटी वाले अगर हमारे से टैक्स ले रहे हैं तो ये भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो हमें इससे फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। जीएसटी से आम पब्लिक को तो कोई असर पड़ा नहीं है, लेकिन व्यापारी इस जीएसटी के बारे में डुप्लीकेट बिल बना के आज भी चोरी कर रहे हैं। कितने आदमी इस देश में जो बिल ले रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए। सरकार जीएसटी लागू करके इसका लगभग 85% पब्लिक को इस बात की भी नॉलेज नहीं है कि हम कोई सामान लेते हैं तो उस पर कितनी जीएसटी लगती है, और उस जीएसटी से कितना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होता है। जहां जीएसटी को लेकर कुछ लोग नाखुश हैं, तो वहीं कुछ ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। व्यापारी को कहना है कि जीएसटी लागू होने से रिटर्न भरने में कोई दिक्कत नहीं आती, इससे व्यापार में स्पष्टता होती है, साथ ही ग्राहक भी जीएसटी से खुश नजर आ रहे हैं, सरकार के जीएसटी लगाने के फैसले की सराहना भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जी, जैसे सबको करना चाहिए ना, जीएसटी से हम लोग तो संतुष्ट है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, इससे ना सब टैक्स भी भरते हैं और गवर्नमेंट को भी जाता है और लोगों को भी इससे फायदा है,
जिससे हम क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ फायदे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सही मायने में अनोखा प्रभाव पड़ा है और ये एक गेम चेंजर भी साबित हुआ है, क्योंकि इससे कई स्तरों पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों की जटिल व्यवस्था बदल गई है और उसकी जगह एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था आ गई है। बेशक जीएसटी ने बहु कर प्रणाली और दोहरे कराधान की समस्याओं को दूर कर दिया हो, मगर कुछ मसले अभी भी बने हुए हैं जिनका समाधान करने की जरूरत है। चरखी दादरी से संवाददाता प्रदीप साहू की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो आपने देखा कि जीएसटी पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आया है। किसी ने कहा है कि क्योंकि हम दुकानदार बिल बनाते हैं, हमारे पास एक बिल बनकर आता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, 10 बिल नहीं आते कम से कम, व्यापारियों को थोड़ी सहूलियत है। लेकिन दूसरी तरफ एक का कहना यह भी है कि अभी भी लोग कच्चा बिल लेते हैं, कोई लोग बिल लेते ही नहीं है, बिल लेंगे तो जीएसटी देना पड़ेगा, दाम ज्यादा हो जाएगा, इस तरह की बातें हैं। और कुछ का कहना यह है कि जीएसटी का आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ा है, उनको पहले भी टैक्स देना था और अब भी टैक्स देना है, 19-20 का फर्क आया है। तो ये सब कहने वाली बातें हैं और ये जनता की प्रतिक्रिया थी। यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पीयूष गोयल ने कहा है कि कांग्रेस के लिए अंगूर खट्टे हैं, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि ये बिल्कुल फेल रहा है जीएसटी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हम आकाश जिंदल जी से, एक्सपर्ट हैं वो। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी जीएसटी एक साल हो गया, आप कहाँ देखते हैं जीएसटी सफल है कि नहीं है, आप क्या मानते हैं? देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। पहली बात, जो ये जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था जी, ये एक लैंडमार्क कदम है। लॉन्ग टर्म में देश में इसको फायदा होने की बहुत उम्मीद है। हिंदुस्तान की ब्रांडिंग, हिंदुस्तान की पोजीशन दुनिया में बड़ी है। लेकिन साथ ही साथ सिक्के का दूसरा पहलू है, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन में कमियां रही हैं। जब जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला था, आई वॉज डूइंग बैक टू बैक टीचर्स ऑन ऑलमोस्ट ऑफ चैनल्स, तो वहां उसने सरकार की जीएसटी इंप्लीमेंट करते हैं बिजनेसमैन से साथ कम्युनिकेशन और डायलॉग उतना नहीं होता। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन में कमियां रही, सर्वर को लेके इशू रहे, कनेक्टिविटी और नेटवर्क को लेके इशू रहे, इंफॉर्मेशन कि किससे कितना जीएसटी कटना है, क्या सिस्टम है, दुकानदार भाई जो हमारे छोटे कस्बों में है उनके इशू ग्रस्त हुए, तो कहीं ना कहीं क्या है साथ ही साथ पहले साल इंप्लीमेंटेशन की कमियां रही हैं, जिनकी वजह से हमारे व्यापारी भाइयों को दिक्कतें आई थी। अब सरकार को इससे सीख लेनी होगी, सरकार अच्छा काम कर रही है क्लियरली इन द बेनिफिट जी आकाश जी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो व्यापारियों को, दुकानदारों को, इन तमाम लोगों को दिक्कत आ रही है कि हर महीने टैक्स जो है वो भरना पड़ता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, दुकानदारों को, व्यापारियों को कई तरह की दिक्कतें आई हैं। सरकार ने कुछ देर बाद उन दिक्कतों को सुनना भी शुरू किया है और कुछ दिक्कतों का रेजोल्यूशन आ भी गया है। इसीलिए फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म एंड से गवर्नमेंट मेरे सरकार की कहने उसके साथ जी आकाश जी, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, कितने नंबर देंगे आप 10 में से अगर कहा जाए तो जीएसटी को, एक साल बाद एनालिसिस करने के बाद आप आज की स्थिति को देखते हो, हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, आज की स्थिति को देखते हुए आप कितने नंबर देंगे? आज की स्थिति में मैं 6-5 मार्क्स दूंगा जीएसटी को जी, मैं उसे फर्स्ट डिविजन में रखूंगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में अभी नहीं रखूंगा। मेरिट में भी ये आने की संभावना रखता है, कैपेसिटी है, अगर व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनके रिजॉल्व किए जाए, उनको कम्युनिकेट किया जाए कि हाँ दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू, जीएसटी समथिंग विच कैन बी पुट इन मेरिट लिस्ट, बट प्रायर टू दैट व्हेन नीड इज रीच आउट माय बिजनेस एंड फ्रेंड माय बिजनेस, छोटे व्यापारी जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उनका विश्वास पैदा करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, उनके एप्रिहेंशन उनके कम्युनिकेट तो करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये इंप्लीमेंट जो है वो कहां से करना है। देखिए, 70 साल बाद एक नया रेजीम आया है, तो कंट्री को टेक सम टाइम टू एडजस्ट।
जी, जब जी. इतना नया इतनी चेंज आती है, इतनी मेजर चेंज आती है. जी 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 आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज से बात करने के लिए. तो हमारे साथ आर्थिक सलाहकार आकाश जिंदल जी थे, जिनका कहना यह है कि वो 10 में से 5 नंबर आज की स्थिति में GST को देंगे, क्योंकि स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए. यानी फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, इसमें अभी खामियां बहुत हैं. व्यापारियों को, लोगों को काफ़ी अभी भी परेशानी आ रही है. उन सबको दूर करके अगर ये आगे चला जाता है तो इन फ्यूचर ये बहुत अच्छा कर पाएगा GST, लोगों को सहूलियत होगी, लेकिन फिलहाल इसमें कई खामियां हैं.